क्या हमारा कोई ऐसा दोस्त है जिसे हम देखे तो खुदा याद है। एक आदमी जा रहा है, रोज एक गड्ढे में गिर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि या तो वो अपना रास्ता तब्दील करे या फिर कोशिश करे कि गड्ढे को पूर्ण करे, यानी उसका सद्देबाप करे। लेकिन हर चीज को भी सरप्लस कर दबा देना ये करना भी नहीं है, मतलब उसका कोई ना कोई उसकी रीजनिंग होगी, उसको तलाश करे। असल में माशरे में जवान को ये सोचने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि बम्बार्डमेंट इतनी है एक्स्ट्रा नॉलेज की, एक्स्ट्रा चीजों की, कि वो एक जगह से भागता है दूसरी जगह। उसको ये चीज दिया जाए कि वो अपने लिए असबाब पैदा करे, दोस्त अच्छे पैदा करे, बैठक अच्छी पैदा करे, नशिस्त उल्मा की मजलिस में बैठना जैसे इबादत है, वो इस तरह अपने अतराफ को जब वो बेहतर करेगा तो वो गुनाह के मौके उसकी जिंदगी में कम होना शुरू हो जाएंगे। क्या गुनाह के जो वो क्या कहते हैं असबाब बयान किए गए हैं, उनमें से एक यही है कि हमनशीनी आपकी कैसी है। हाँ, बुरे लोगों की हमनशीनी से आप दूर रहें, दोस्त कैसे हैं आपको? दोस्त आपके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे ना कि दोस्त तुम्हारा ऐसा हो जिसे देख के तुम्हें खुदा याद आए। तो क्या हमारा कोई ऐसा दोस्त है जिसे हम देखें तो खुदा याद आए, यानी वाकई हम खुदा की तरफ जाएं, एहसास हो।